काउबॉयज मीडिया सर्विस प्रेजेंट्स एंसरिंग द एंसर्ड वीडियोस में आपको स्वागत करते हैं। तो हम जल्दी ही ब्रदर फ्रांसिस का अगला वीडियो देखेंगे जहां पर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है और हम उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्लिप देखते हैं। यस, ये बात बिल्कुल सही है कि जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कहा है इन द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6, जहां पर जीसस क्राइस्ट कहते हैं आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन हैज कम अदर टू गॉड बट थ्रू मी। यानी कि हाँ बिल्कुल मैं ही रास्ता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, भगवान तक जाने का मैं रास्ता हूँ। और इस बात में कोई खराबी नहीं है, क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो है वास्तव में गुरु की पोजिशन पे है। यानी कि जो गुरु होते हैं वो रास्ता होते हैं भगवान तक पहुंचने का। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 6 में कहा आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं ही आपको जीवन का रास्ता दिखाने वाला हूं, भगवान का रास्ता दिखाने वाला हूं। अब यहां पर अमोघ जी खुद कंफ्यूज्ड हैं कि यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन का मतलब क्या है। वो एक बार कहते हैं कि यीशु ही मार्ग है और कहते हैं यीशु मार्ग दिखाते हैं, यीशु भगवान का रास्ता दिखाने वाले हैं। यीशु रास्ता है या रास्ता दिखाने वाले हैं? आई एम द वे, अमोघ लीला दास और फ्रांसिस दोनों का अलग राय है। कौन सही है जानने के लिए हम यह जानना अनिवार्य है कि जीसस क्राइस्ट आई एम द वे क्यों बोले। तो गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 में हम देख सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट अपने डिसाइपल्स के साथ वार्तालाप करते हुए साइमन पीटर को जवाब देते हुए खत्म होता है चैप्टर नंबर 13। फिर गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट होता है। तो पहला श्लोका से हम अगर पढ़ेंगे, पहला वर्स से हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जीसस क्राइस्ट आई एम वे क्यों कहा। तो चलो हम पढ़ेंगे गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 1। डू नॉट बी अफ्राइड एंड अपसेट, जीसस टोल्ड देम, बिलीव इन गॉड एंड बिलीव ऑल्सो इन मी। सेकेंड वर्स, देर आर मेनी रूम्स इन माई फादर्स हाउस एंड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू, आई वुड नॉट टेल यू दिस इफ इट वेयर नॉट सो। थर्ड वर्स, एंड आफ्टर आई गो एंड आई प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू, आई विल कम बैक एंड टेक यू टू माई सेल्फ सो दैट यू विल बी वेयर आई एम। और फोर्थ वर्स बोलते हैं, यू नो द वे दैट लीड्स टू द प्लेस वेयर आई एम गोइंग। तो जीसस क्या बोलते हैं कि आपको पता है। तो थॉमस फिर रिप्लाई करते हैं, ये वर्स 5 है, लॉर्ड वी डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग सो हाउ कैन वी नो द वे टू गेट देयर। फिर जीसस बोलते हैं आई एम द वे द ट्रूथ एंड लाइफ, नो वन गोज टू फादर एक्सेप्ट बाई मी। तो यहाँ सिंपल मीनिंग अगर देखेंगे तो थॉमस पूछ रहे कि भगवान के पास जाने के लिए हमें रास्ता नहीं पता है, तो जीसस बोलते हैं मैं ही रास्ता हूँ। तो यहाँ ब्लैक एंड वाइट है, हम देख सकते हैं कि जीसस बता रहे हैं कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ और भगवान का पास बहुत सारा रूम है, वहाँ मैं आपके लिए भी रूम बनाने जा रहा हूँ। तो जीसस का क्लियर बता रहे कि डेस्टिनेशन जो है फादर है और मैं वे हूँ। और वो वे जानने के लिए थॉमस पूछते हैं कि वे क्या है, फिर जीसस जवाब देते हैं कि आई एम द वे द ट्रूथ एंड लाइफ। किसके लिए? भगवान के पास पहुँचने के लिए। होप सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ब्रदर फ्रांसिस को भी मिल गया रहेगा और हमारे व्यूअर्स को भी। थैंक यू।